छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से प्रेम प्रसंग का ऐसा मामला सामने आया है जिसका खामियाजा परिवार के सदस्यों को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल नुंड्रा थाना क्षेत्र निवासी एक युवक का प्रेम प्रसंग गांव के ही एक युवती से लंबे समय से चल रहा था और कुछ दिन पहले युवक ने भागकर उससे शादी कर ली। ये बात गांव के कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने युवक के पिता को ये चेतावनी दे डाली कि बेटे और बहू की हत्या कर शव के 100 टुकड़े कर गांव में बांटेंगे। फिर उन्होंने रविवार को गांव में पंचायत भी बुलवा ली। यहां उन्हें प्रताड़ित किया गया और घर ले जाकर मारपीट की गई। यही नहीं, घर का सारा सामान भी बाहर फेंक दिया गया। गांव वालों को ये शपथ दिलाई गई कि कोई भी इस परिवार से संबंध नहीं रखेगा। पीड़ित परिवार जब थाने पहुंचा तो पुलिस ने उन्हें वहां से भगा दिया। इसके बाद युवक के परिजन सोमवार को देर शाम अंबिकापुर पहुंचे और कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। अंबिकापुर एसपी को दी गई तहरीर में सरगुजा जिले के लुंड्रा थाना अंतर्गत ग्राम आगासी निवासी सरस्वती अगरिया ने बताया है कि उनके पुत्र जागेश्वर का गांव के ही एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था और कुछ दिन पहले दोनों ने सगाई कर ली और दूसरे गांव में रह रहे हैं और युवती भी अपनी मर्जी से उसके बेटे के साथ है। और लड़के की माँ सरस्वती ने बताया कि गाँव के कुछ लोगों को ये बात रास नहीं आई और उन्होंने इसका विरोध किया, यहाँ तक कि हमारे परिवार को धमकी तक दे डाली और 20 लोगों ने मेरे पति, बेटे, बहू और नाती के साथ मारपीट की है, घर का सारा सामान फेंक दिया है। उन्होंने हमें धमकी दी है कि वे हम सभी की हत्या कर डालेंगे, बहू बेटे के 100 टुकड़े करके पूरे गांव में बांटेंगे। पीड़ित परिवार ने बताया है कि रविवार को गाँव में इसे लेकर पंचायत भी हुई और लड़के की मां ने बताया कि पंचायत में हमारे बेटे और बहू को बुलाया गया। हमने जब बताया कि वे यहां नहीं हैं, तो पंचायत में भी गांव के लोगों ने हमारे साथ मारपीट की है और जब हमने ये बात रिपोर्ट दर्ज करवाई इसको लेकर, तो दरोगा अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे और गांव के लोगों ने उनके साथ भी बदसलूकी कर उन्हें वहां से भगा दिया। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है। एसपी ने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी और आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।